Well, hello guys, welcome to my channel Knowledge Academy. Today we are going to discuss about an important topic. Its name is learning. But first of all, I would like to say you that please like, subscribe and share my channel because it will be beneficial for you for new updates also. Hence, considering in the range of subject matter, we shall discuss about that what is the nature of learning, what is the definition of learning, what are the chief characteristics of learning. So, in this scenario, we shall discuss about this topic. Ab, vastav mein seekhna hai kya? Seekhna yani adhigam, adhigam yani लर्निंग जिसे हम बोलते हैं. और जब हमसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम कहते हैं लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस. तो हम इस तरह की बातें या इस तरह की परिभाषाएं बड़े आराम से कह देते हैं. तो क्या वास्तव में कुछ परिभाषाएं कह देने मात्र से या कुछ परिभाषाओं के कंसेप्ट को समझ लेने मात्र से वास्तव में क्या हम लर्निंग के कंसेप्ट को आत्मसात कर सकते हैं? तो सीखना है क्या? तो सीखने की प्रक्रिया तभी वास्तविक अर्थों में अपने लक्ष्य को या अपनी सार्थकता को प्राप्त करती है जबकि हम उसके संप्रत्यय को भली भांति समझें या उस प्रोसेस से गुजरें और उसको आत्मसात करें. लर्निंग के संदर्भ में बड़े बड़े एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने और बड़े बड़े एजुकेशनल फिलोसफर्स ने बहुत प्रकार की बातें कही तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर और पशु पक्षियों पर कई प्रकार के प्रयोग किए गए तथा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य एवं विभिन्न प्रकार के तथ्य निकलकर सामने आए कि लर्निंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मिलियंस ऑफ मिलियंस फैक्टर्स लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कहा जाता है कि लर्निंग अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है. लर्निंग के लिए आपके सामने एक लक्ष्य होना आवश्यक है या यूँ कहें दूसरे शब्दों में तो लर्निंग के लिए एक लालच का होना आवश्यक है क्योंकि जब तक आपके सामने एक लक्ष्य नहीं होगा या एक निश्चित लालच नहीं दिया जाएगा तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति अग्रसर नहीं होंगे. उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यदि आप 15 से 20 वर्ष की अनवरत स्टडी कर लेंगे तो आप एक निश्चित सुखपूर्वक एवं समृद्धिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने जीवन को अधिक सुखपूर्वक एवं समृद्धिपूर्ण तरीके से मैनेज कर सकता है. अब इस दृष्टि से देखें तो आपके सामने पढ़ाई का लक्ष्य रख दिया गया किंतु इसको सुख और संपन्नता के लालच के साथ जोड़ दिया गया. तो यानी या दूसरे शब्दों में हम इसे ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे सामने एक निश्चित मोटिव नहीं होगा तब तक हम लर्निंग की ओर अग्रसर नहीं होंगे. तो लर्निंग एक तरह का प्रेशर या एक तरह का दबाव भी हमारे ऊपर क्रिएट करती है. बट रियल लर्निंग शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज मैच्योरिटी क्योंकि एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के माध्यम से हमें जो लर्निंग प्राप्त होगी वो वास्तव में हमें उसके कंसेप्ट को समझने में सहूलियत प्रदान करेगी. ये तो ही लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में लर्निंग. दूसरी है कि लाइफ के संदर्भ में लर्निंग कि लाइफ के संदर्भ में हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए कि हम किस तरह से पशु पक्षियों पर, मनुष्यों पर, परिवार पर, संबंधियों पर संवेदनाओं के संदर्भ में चर्चा करें, किस तरह की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करें या उनके प्रति अच्छा व्यवहार करें कि जिससे कि हमें अच्छे अनुभव प्राप्त हो सके और हमारी जो लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो सके. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल फिलोसफर्स की यदि बात करें तो उन्होंने दो बातें कही हैं कि परिपक्वता और अनुभवों का होना या यूँ कहें कि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता हमें लर्निंग के माध्यम से प्राप्त होती है. और इसलिए ये कहा जाता है कि बालक सार्थक प्रक्रिया को प्राप्त कर सकता है. सार्थक प्रक्रिया कैसी? कहने का अभिप्राय है कि सार्थक प्रक्रिया का कि प्रगतिशील परिवर्तन एवं परिमार्जन की प्रक्रिया जो कि जीवन भर बालक के साथ चलती है और यही प्रक्रिया बालक के व्यक्तित्व में निरंतर परिमार्जन एवं प्रगतिशीलता लाती है क्योंकि हमारे व्यवहार में जो भी अधिगम या जो भी लर्निंग होती है वह उसके परिणामों एवं अनुभवों के माध्यम से ही संभव हो पाती है. अधिगम के सिद्धांतों को डिफाइन करने के लिए पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, हल ने, लेविन ने, टॉलमैन ने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं तथा जो लर्निंग का प्रोसेस है या लर्निंग के जो कंसेप्ट है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है. लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में पावलव ने जो प्रयोग किया उसका नाम है पावलव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यानी पावलव कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी. इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपना प्रयोग किया. पावलव ने अपना प्रयोग एक प्रयोगशाला में कुत्ते पर किया और उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के गले में लार ग्रंथि में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी जो एक बीकर से गिरती थी यानी एक बीकर में गिरती थी और इसके पश्चात कुत्ते को प्रतिदिन निश्चित समय पर भोजन दिया जाने लगा या भोजन दिया जाता था और भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी. भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक के समान थी. पावलव ने भोजन देने के साथ एक और प्रयोग जोड़ दिया और उन्होंने क्या किया कि भोजन देने के वक्त एक घंटी बजाना शुरू कर दी. भोजन की प्रस्तुति के साथ घंटी बजाई गई और यह प्रयोग कई बार दोहराया गया जिसके परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि
कि घंटी के बजते ही या घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी। तो इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के सामने भोजन की इमेज आ जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी लार टपकने लगती थी। यानी कुत्ते को ये पता चल जाता था कि घंटी बजने का आशय है कि अब भोजन प्राप्त होगा। प्रारंभिक प्रयोगों में ये पाया गया कि पहले जब घंटी बजाई जाती थी तब कुत्ते की लार नहीं आती थी, किंतु जब भोजन की प्रस्तुति घंटी के बजाने के साथ की गई तो कुत्ते की भोजन की लार टपकने लगी, भोजन हेतु लार टपकने लगी। इस तरह से उन्होंने लर्निंग की एक निश्चित थ्योरी को डिफाइन किया और लर्निंग के संदर्भ में निश्चित परिणामों को या तथ्यों को निकाला। इसी तरह से यह भी कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में ही कहा था कि लर्निंग हमारे अनुभवों से रिलेटेड होती है, तो इस संदर्भ में प्रकृतिवाद का उल्लेख किया जा सकता है कि नेचुरलिज्म में जो नेचुरलिज्म के प्रतिपादक रूसो हुए हैं तो उनके अनुभव को या उनके उदाहरण को लिया जा सकता है कि जीन जैक्स रूसो का जो पूर्व जीवन था या जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत अधिक सुखी नहीं था, या यूँ कहें कि उनके जो अनुभव थे बहुत अच्छे नहीं थे। तो उस पूर्व अनुभव के आधार पर या उस परेशानियों के आधार पर जो उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में वो परेशानियां देखी थी, उसके आधार पर उन्होंने ये निश्चित किया कि बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। चूँकि रूसो को बचपन में शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई थी, या यूँ कहें कि उन्हें शिक्षित नहीं किया गया था और उनके साथ जो माहौल था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो इस कारण उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही गई और कहा गया कि जो बालक का जीवन है वो अनुभवों के माध्यम से परिमार्जित किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि उसको अच्छे अनुभव प्रदान किए जाएँ। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो लर्निंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं जो कि हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, क्योंकि रूसो ने माना कि अनुभवों के माध्यम से ही आत्म अनुशासन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि कोई बच्चा बहुत अधिक अनुशासनहीन है और वह अपने कमरे का कांच तोड़ देता है तो इसके लिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसके कमरे में कांच ना लगवाया जाए, और जब ठंड आएगी और बच्चे को ठंड लगेगी तब वह समझ जाएगा कि कांच को तोड़ने का या कांच के होने का क्या महत्व है, इसलिए कांच को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण दिए और उनके माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला कि यदि हमें बालक को अधिगम कराना है या उसकी लर्निंग को प्रभावी बनाना है तो हमें उसे इस प्रकार के अनुभव दिए जाने चाहिए या देना चाहिए जिससे कि उसकी आत्म अनुशासन की प्रक्रिया या सेल्फ लर्निंग का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो सके। तो उन्होंने अनुभवों को और परिमार्जन को इसमें मुख्य रूप से महत्व दिया। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।